हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ हाई स्कूल लव स्टोरी के पार्ट नंबर 24 को। तो अगर अभी तक इस सीरीज की पिछली वीडियोस को आपने नहीं देखा, आई सजेस्ट जरूर देख लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। तो गाइस, इस पार्ट में हमें दिखाते हैं कि श्याओ बहुत अपसेट लग रही थी। वो जियान से कहती है कि मुझे लगता है कि जब से मैं बिंग की लाइफ में आई हूँ, उसे परेशानियों और टेंशन्स का सामना करना पड़ रहा है, वरना उसकी लाइफ कितनी लग्जरी हुआ करती थी। तो जियान उसे तसल्ली देता है कि ऐसे मत सोचो। वो कहती है कि मैं वहाँ उसकी हेल्प करने के लिए इस टाइम मौजूद भी नहीं हूँ, मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। उधर बिंग शाशा के साथ आज बहुत केयरिंग तरीके से बिहेव कर रहा था, जिससे वो काफ़ी खुश नज़र आती है। जब बिंग उसके वहाँ आने पर उसका थैंक्स भी करता है। वो अपने डैड के पास बैठकर बहुत सॉरी करता है और उन्हें वापस आने को कहता है। बहुत रोता है, लेकिन वो तो बेचारे अब बेहोश थे, कुछ नहीं सुन सकते थे। फिर हमें दिखाते हैं कि डायरेक्टर टाई को सब न्यूज़ मिलती रहती है कि हॉस्पिटल में इस टाइम क्या चल रहा है, और वो ये चाहते थे कि बिंग के डैड होश में आए ही ना, बल्कि मर ही जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अगली सुबह बिंग के डैड को होश आ जाता है, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल लग रही है। बिंग उनसे मिलने के लिए जाता है, ऊपर से श्याओ भी आ जाती है, लेकिन शाशा उसको अंदर जाने से रोक लेती है। अंदर दिखाते हैं कि डैड बिंग को कहते हैं कि तुम्हें बदला लेने से पहले बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। बस इतना ही कहकर उनकी डेथ हो जाती है। इतने में वहाँ बाहर ताई अंकल आ जाते हैं, जबकि श्याओ अंदर जाकर देख लेती है कि बिंग के डैड की डेथ हो गई है। वो उस टाइम हद से ज़्यादा फ्यूरियस लग रहा था। वो कहता है कि मैं ताई से अपने मॉम डैड की मौत का बदला लेकर ही रहूँगा। लेकिन जब ऊपर से अंकल ताई अंदर आते हैं, तो वो अपने डैड की बात को याद करके अपने एक्सप्रेशंस को कवर कर लेता है और स्माइल करके उनको वहाँ आने के लिए थैंक्स करता है, और फिर अंकल ताई वहाँ से चले जाते हैं। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि लूसी ने घर का सारा रेंट देकर मिन को तब तक वहाँ पर जगह देने के लिए मना लिया है जब तक बिंग घर नहीं आ जाता। रुई हैरान होता है कि तुम लड़की हो, लाउंज में कैसे सोगी। तो वो उसे अपनी ही बातों में फंसा कर फिर बेचारे को लूसी को अपने कमरे में रहने की जगह देनी पड़ती है। उधर श्याओ रात को बिंग को खाना खिलाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता। फिर जाते जाते रोक कर वो उसे कहता है कि मुझे बस कुछ टाइम चाहिए, और चाहे जो मर्जी हो जाए, तुम प्लीज़ मेरा वेट करती रहना। जबकि हाओनान बेचारा शाशा से फिर से यही कहता है कि मेरे दिल में हमेशा तुम्हारी जगह रहेगी, चाहे तुम मुझे 100 बार रिजेक्ट करो, मैं फिर भी तुम्हारा वेट करूँगा। शाशा कहती है कि ये सारी लगती तो फिल्मी डायलॉग बाजी है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बात हमेशा याद रखूंगी। श्याओ जब घर पहुंचती है तो आगे रुई बाहर लाउंज में पड़ा सो रहा होता है, और लूसी से रेंट लेने के लालच पर मिन को बहुत बुरा भला कह रहा होता है। उसी टाइम पे लूसी भी बाहर आ जाती है, लेकिन श्याओ को इस सब की कोई भी परवाह नहीं थी। फिर अगले दिन शाशा दादाजी से अफसोस करने आती है, तो वो कहते हैं कि तुम अच्छी लड़की हो, लेकिन बिंग और तुम्हारा साथ इम्पॉसिबल है, और इसकी वजह तुम नहीं हो बल्कि तुम्हारे डैड हैं। जबकि बिंग अब रो रो कर अपने मॉम डैड को याद कर रहा होता है, और उसके माइंड में सिर्फ यही चल रहा था कि एक दिन वो अपने मॉम और डैड का बदला ज़रूर लेकर रहेगा। फिर अगली सुबह वो तैयार होकर सारों को बताता है कि अब डैड की जगह मुझे काम संभालना होगा। तो अपने डैड की जगह प्रोजेक्ट से रिलेटेड मीटिंग करने के लिए वो डायरेक्टर ताई के पास जा रहा है। डायरेक्टर ताई के ऑफिस में शाशा बिंग के साथ आती है, और वो हर तरह से चाहती थी कि उसके डैड बिंग की बिजनेस संभालने में हेल्प करें। बिंग चाहता था कि वो अकेले में डायरेक्टर ताई से कुछ डिस्कशन कर ले, तो शाशा वहाँ से उठकर चली जाती है।
फिर उनको बातें करते हुए दिखाते हैं कि डायरेक्टर टाई बिंग की काफ़ी तारीफ करते हैं कि तुम ब्रेव हो, कैपेबल हो, लेकिन अच्छा है कि अब तुम अपनी अकड़ को ख़त्म करके खुद मेरे पास आए हो। फिर बिंग उनसे कोई बात करता है जो हमें नहीं सुनवाते। फिर बाहर आकर सेक्रेटरी के थ्रू हमें पता चलता है कि बिंग ने अब टाई ग्रुप में ही काम करने का फैसला किया है और वो लोग यहीं इसी बिल्डिंग में उसका भी ऑफिस सेटअप करने लगे हैं। ये सब सुनकर शाशा की खुशी देखने वाली होती है। फिर वहाँ से सीधा बिंग शियाओ के पास जाता है और उसे बताता है कि अब मैं यहाँ तुम्हारे साथ जॉब नहीं कर सकता क्योंकि मैंने टाई ग्रुप में साथ काम करना शुरू कर दिया है। जब उसके फ्रेंड्स को ये सारा कुछ पता चलता है तो वो कहते हैं कि ये सब जानकर शियाओ बहुत हर्ट होगी, लेकिन बिंग उनकी बातों पर कोई तवज्जा नहीं देता। तो जियान आगे से उसे कहता है कि अगर तुम्हारी वजह से शियाओ हर्ट हुई, उसे कोई भी तकलीफ पहुंची, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शाम को फिर शियाओ बिंग से मिलने घर जाती है और उसे ज़बरदस्ती अपने साथ वॉक पर ले जाती है। वहाँ वो उससे बहुत सी दिल की बातें करती है, बहुत से क्वेश्चंस करती है जो उसके माइंड में थे कि क्या तुम बदला लेने वाले हो, तुम क्यों टाई ग्रुप में काम करने गए हो, तुम तो उनसे नफरत करते थे, तुम्हारे क्या प्लान्स चल रहे हैं। लेकिन बिंग सारा टाइम बिल्कुल खामोश रहता है। तो शियाओ कहती है कि तुम शेयर नहीं करना चाहते तो इट्स ओके, बट आई स्टिल सपोर्ट यू। फिर जब वो उठकर जाने लगती है तो बिंग उसे किस कर लेता है। फिर बाद में सिर्फ इतना ही कहता है कि सॉरी, अभी मैं किसी को कुछ भी नहीं बता सकता, बस मुझ पे ट्रस्ट करो। फिर अगले दिन कॉलेज में शियाओ देखती है कि बिंग शाशा के साथ आजकल उसी की गाड़ी में आ जा रहा होता है, तो ये सब देखकर वो दुखी हो जाती है। जियान ये सब कुछ फील कर लेता है और सोचता है कि काश मैं इसकी कोई हेल्प कर सकता और उसे हर्ट होने से बचा सकता। उधर ऑफिस में अब बिंग अपने डैड के कहने के अकॉर्डिंग बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहा था ताकि वो अपने डैड के प्लान्स को अब कंप्लीट कर सके और इन्फॉर्मेशन तक एक्सेस हासिल करके डायरेक्टर टाई को जेल तक पहुंचा दे। नेक्स्ट पार्ट में जब बिंग करेगा शाशा से शादी का फैसला तो जियान और उसकी बहुत लड़ाई होगी, और क्या जियान अब शियाओ का हाथ थामेगा, ये सब जानने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। बाय बाय।